आपकी प्रारंभिक शिक्षा संत निरंकारी कॉलोनी के निकट स्थित रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। बचपन से ही आपका स्वभाव प्रेम व अपनत्व से भरा था। आप घर से जो भी भोजन लेकर जाते उसे हमेशा मित्रों के साथ मिल बांट कर ही खाते। यदि सहपाठी बिना बताए ही आपके टिफिन का भोजन खा लेते तब भी आपके चेहरे पर कोई नाराजगी का भाव नजर नहीं आता था। आपका मधुर स्वभाव सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीत लेता था। एक प्रतिभावान विद्यार्थी होने के साथ साथ आप एक कुशल खिलाड़ी भी थे। हर रोज निरंकारी कॉलोनी के समीप स्थित सरोवर के सामने वाले मैदान में खेलने जाते थे। शुरू से ही आपके हृदय में धैर्य और विशालता भरी हुई थी। एक बार एक बच्चे ने बड़े जोश से आस्तीन चढ़ाकर आपको चुनौती दी। भोला जी, इस खेल में तो मैं ही जीतूंगा। फिर भी आप बिना उत्तेजित हुए बड़े शांत भाव से खेले और जीते भी। परंतु विजयी होने पर भी आप में लेश मात्र भी विजेता होने का एहसास दिखाई नहीं पड़ा। आपके कोमल मन में उस समय भी यही भाव था कि कहीं जीत की खुशी जाहिर होने से हारने वाले का दिल न दुख जाए। गर्मियों के मौसम में जब खेलते खेलते गर्मी लगती तो आप सभी मित्रों को अपने घर ले आते और उन्हें अपने हाथों से ठंडा शरबत बनाकर पिलाते। आपका सेवा भाव मित्रों का भी मन मोह लेता। एक बार आपने शरबत बनाया और एक ऐसे बच्चे को बांटने के लिए कहा जिसके प्रति सब घृणा का भाव रखते थे। एक क्षण तो सब बच्चे हतप्रभ रह गए, लेकिन भोला जी का अनुसरण करके सबने बिना किसी हिचक के उस बच्चे के हाथ से शरबत पी लिया। भोला जी के सहज में किए गए इस कर्म से जहां बच्चों में भेदभाव की भावना मिटी, वहीं उस बच्चे के मन में आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई। आपके निवास स्थान संत निरंकारी सत्संग भवन निरंकारी कॉलोनी में प्रतिदिन 2 या 3 बार सत्संग का आयोजन होता था। भोला जी का निर्मल मन इस आध्यात्मिक वातावरण में बहुत अधिक रमता था। आप अन्य बच्चों को साथ लेकर साध संगत के लिए दरिया बिछाना, संगत को पानी पिलाना, संतों की चप्पलें सही तरीके से लगाना आदि सेवाओं में खुशी खुशी अपनी रुचि दिखाते। जब आप प्रारंभिक शिक्षा ही ग्रहण कर रहे थे उसी दौरान शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने मिशन की बागडोर आपके पिता गुरुबचन सिंह जी को सौंप दी और आशीर्वाद दिया कि अब से बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं राजमाता कुलवंत कौर जी मिलकर सत्य की आवाज को आगे बढ़ाएंगे। शहनशाह जी ने राजमाता जी से निवेदन किया कि आप भी बाबा गुरुबचन सिंह जी की कल्याण यात्राओं में साथ रहकर सत्य संदेश पहुंचाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। आप इस बात की चिंता ना करें कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। आप मानव कल्याण का काम करें, निरंकार प्रभु आपके काम करेगा। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए बाबा गुरुबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी ने स्वयं को मानवता के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। अब वो निरंकारी मिशन के रहनुमा थे और जन जन के आध्यात्मिक उत्थान की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। आपके दादा बाबा अवतार सिंह जी सहित समूचा निरंकारी परिवार अब बाबा गुरुबचन सिंह जी को सदगुरु मानकर उनके सम्मुख श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होने लगा। आपकी नानी माता सोमावंती जी भी बाबा जी के चरण स्पर्श कर विनती करने लगी कि हमसे आपके प्रति दामाद रूप में कभी कोई भूल या अवज्ञा हुई हो तो आप क्षमा करना। तब से वो अपनी बेटी को भी सदगुरु की पत्नी होने के कारण गुरु माता के रूप में ही देखने लगी। आप सब भाई बहनों के मन में ये बात बचपन से ही बस चुकी थी कि माता पिता के रिश्ते से पहले सतगुरु व गुरु सिख का रिश्ता होता है जो हर रिश्ते से बड़ा होता है।